स्वागत है आपका MR न्यूज टीवी में। उत्तर प्रदेश मऊ में आज एक और नेकी की दीवार बनाई गई, जिसका श्रेय MA फाउंडेशन और युवा नौजवानों के हौसले से खीरी बाग में तीसरी नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया। अब यहां से बेसहारों को मदद मिलेगी। इस दीवार का यही उद्देश्य है, यहां पर जरूरतमंदों के लिए लोग सामान छोड़कर चले जाएं और जरूरतमंद लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से यहां से सामान ले जाएं। अगर आप भी करना चाहते हैं लोगों की मदद, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो के ज़रिए लोगों के अंदर एक नेक काम करने का और नेकी की दीवार का एक मजबूत हिस्सा बनने का मौका मिले। आइए देखते हैं क्या कहा सभासद जावेद यान ने नेकी की दीवार की शुरुआत करते हुए। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से। नेकी की दीवार बनाया जा रहा है, नेकी की दीवार का मकसद क्या है और क्या लगता है कि कहां तक ये कामयाब होगी? मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर युवा नागरिक जो है, नए लड़के हैं, नई सोच के हैं, ये लोग पूरे शहर में चाहते हैं कि ये जनता कहीं और पे उतर जाए, तो जितने शहर के लोग गरीब हैं उनका भला बड़ा अच्छा होगा। ये जाड़े में नई हॉस्पिटल है, चलाने वाले की कम्बल है, रजाई भी रख दिया जाएगा, तो लोग आए यहाँ से लेके चले जाए। जिनके पास दादा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने किसी भी व्यक्ति से यहाँ पर भिजवा दें, लोगों का इससे फायदा हो जाए, बस इसका यही हमारी सोच है। आपको क्या लगता है कि जो पात्र हैं, पात्रों तक ये पहुंच जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नजर हटे और कोई ताक में लगाए बैठा इकट्ठा पूरा लेके चला जाए? देखिए, जैसा कि मिर्जा हादीपुरा की नेकी की दीवार पे चीज सुनने को मिल रही थी। नहीं, देखिए, मिर्जा हादीपुरा में जो चीज आया था वो गट्टर का गट्टर देने वाले थे, गए वो समझे कि गट्टर में लेके चला जाए, हो सकता है उनका, मगर ऐसे करने वाले। अच्छा, आप चाहेंगे कि पूरा 100% हर चीज सही हो, कोशिश है, उनको समझाया जाएगा, इसे अपने आपके मीडिया के माध्यम से लोगों की आप जितनी ज़रूरत हो वो ले जाएँ, ज़रूरत के साथ ले जाएँ, ज़रूरत के साथ ले जाएँ। अभी आपने थोड़ा कैमरे से हट के एक चीज़ आपने बताया था कि नेकी की दीवार आपने बॉम्बे में देखा था। हाँ, मैंने बॉम्बे में एक बार गया था सर, तो वहाँ पर जैसे वो पूरा लकड़ी का खाना बना के वो फिक्स कर रहे हैं, आने वाले समय में इनके सामने मैंने अभी आसन रखा है, बताया है, उसमें रोटी चावल दाल जो भी है उनके पके हुए खाने रख देते हैं। गरीब गुरबा जो आता है वो लेके, यार आदमी जो है भूखा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो उसमें से लेके चला जाता है, तो गांव मान लेकर वहाँ खाना भी पहुँचा दे। आने वाले समय में मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट किया हूँ, युवा है, काम करते चूँकि अब जैसे जैसे उम्र लोगों की बढ़ती है वो राजनीतिक से पीछे हो जा रहे हैं, और इन्हीं लोगों को आना चाहिए और काम करना चाहिए। एक खास सवाल ये भी है कि बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो यहाँ से ले जाने में संकोच करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनकी मान सम्मान का मामला होगा, लेकिन पात्र होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? मैं उनसे कहता हूँ कि रात के अंधेरे में कोई नहीं रहेगा, वो टंगा रहेगा, लेके चले जाएं। और जो चोरी करने वाले, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इसकी चोरी ना करें। इस चैनल के माध्यम से कुछ बता, लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। मैं लोगों से कहूँगा जिनकी ज़रूरत है, पूरी तरफ से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकदम बिंदास आएँ और ले जाएँ, और जिनके पास है ऐसा भी नहीं वो दे जाए, तभी लोगों को ये लोग दे सकते। हर पार्टी के हमारा एक बना हुआ है संबंध, हम ये दिल से, सच्चाई के दिल से इनके गहराइयों के इनका स्वागत करते हैं, ये चुनाव को देखते हुए नहीं है, लोगों को आज की ज़रूरत है, उनके लिए काम करा। अच्छा, अभी तक देखा जा रहा है मऊ में तीन दीवार बनी है, मिर्जा हादीपुरा, हलीमा अस्पताल के पास और खीरीबा, ये तीनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इससे हट के क्या हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में भी काम होगा? हिंदू बाहुल में रोडवेज पर रखा गया, बातचीत चल रही है वहाँ के, वहाँ पर एक लोग चूँकि जिम्मेदार जब आएंगे, जैसे मेरा वार्ड है, इन्होंने कहा मुझसे, मैं जिम्मेदारी ले लिया, उसके लिए कोई आएगा ना देखने, एक आदमी तो चाहिए ना, तो इसी तरह बातचीत चल रही है। ग्रेस प्लाजा का अगला कार्यक्रम है, वहाँ पर रहें, तो बातचीत चल रही है, आगे आने वाले समय में और देखने को आपको मिलेगा। लिखा गया नेक काम जो